गुड मॉर्निंग क्लास जी, वेलकम टू यू ऑल इन ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस। वी आर डिस्कसिंग द चैप्टर दैट इज फ्रैक्शन, ठीक है, इन विच वी हैव डिस्कस अबाउट व्हाट इज फ्रैक्शन, व्हाट इज न्यूमरेटर, व्हाट इज डिनोमिनेटर, ऑल दिस। एंड आई हैव गिवन यू सम होमवर्क, दैट वाज एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। एंड आई थिंक नन ऑफ यू हैव डन योर वर्क, सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरी वन, फर्स्ट कंप्लीट योर वर्क एंड देन watch all the videos and go through all. ठीक है, next topic that we will discuss today, that is how to write fraction. ठीक है, till now we have learned that what is fraction. ठीक है, now we will discuss how to write fraction. ठीक है, so some related fraction terms are there, we are going to discuss that. First one is 2/3. Now what is 2/3? ठीक है, 2/3, ठीक है, अभी 2/3 है क्या? तो 2/3 को अगर आपको लिखना होता तो ऐसे नहीं है, 2/3 है ना, मीन्स 2/3 का मतलब हुआ कि 2 कितने में से, 3 में से। 2/3 मतलब टोटल आपके पास कितने हैं, 3 हैं, और उसमें 2 का मतलब क्या है, 2 शेडेड है, 2 कलर्स है ना, 2 की बात कर रहे हैं, तो टोटल इक्वल कितना हो गया, 3। बात कितनी थी हमने, 2 की, तो कितना हो जाएगा, 2/3। देखिए 2 पार्ट ऑफ द इक्वल पार्ट आर शेडेड, 2/3 का मतलब 2 पार्ट ऑफ द इक्वल पार्ट आर शेडेड, इट मींस 2/3 और 2/3 इज शेडेड। ठीक है, इट मींस 2/3 और 2/3 इज शेडेड। अगर मैं इसे कहूं कि अच्छा अनशेडेड भी मुझे बता दीजिए, जो अनशेडेड है, अन शेडेड का अगर मैं आपसे फ्रैक्शन पूछूंगा तो आप क्या बताएंगे, टोटल कितने होंगे, उतना डिनोमिनेटर हो जाएगा, टोटल कितने पार्ट होंगे, कितना अनशेडेड है, 1, तो इसका ये फ्रैक्शन हो जाएगा, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, 1/3, ये क्या हो जाएगा इसका अनशेडेड पार्ट या अनकलर्ड पार्ट, वॉट एवर यू से, है ना। सेम हियर 3/4 की बात है, 4th है उतना क्लास में, मतलब इसमें कितने पार्ट्स होंगे टोटल, 4, 1, 2, 3, देखिए 1, 2, 3, 4 है ना। अब 3/4 की बात कर रहा, मतलब 3 हमारे क्या है, आइदर इट इज शेडेड और इट इज कलर्ड, वॉट एवर, ठीक है ना। 3/4 में 3/4, 3 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स आर शेडेड, या इट मीन 3/4 और 3/4 इज शेडेड, इट मीन्स टोटल पार्ट्स कितने थे, 4 थे, डिनोमिनेटर कितना है, 4 है, शेडेड कितने हैं, 1, 2, 3, 3 आर शेडेड, देयरफॉर न्यूमरेटर इज 3। अब इसमें अगर मैं अनशेडेड की बात करूं, अनशेडेड या नॉट शेडेड, ठीक है, तो क्या होगा, 1 है, टोटल कितने पार्ट थे, 4, और 1 अनशेडेड है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है, you will write it like 1/4, ठीक है। आई होप द टॉपिक वाज बी क्लियर टू यू ऑल, जस्ट राइट इट, आफ्टर दैट आई विल टेल यू नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट टर्म इज लुकिंग, यू कैन सी हियर दैट इट इज 7/10, एनी नंबर यू कैन टेक, 7/10, 5/10, व्हाटएवर यू वांट टू राइट, ठीक है, because you are learning how to write fraction, ठीक है। suppose I am saying that write this number, this word in fraction, what is it, 7/8, यानी 7/8 की बात हो रही है यहाँ पे, यानी total कितने part होंगे, last 8 लिखा है ना, 7/8, it means total part यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, the last 8, total हमारे 8 पार्ट हो गए। 7 की बात कर रहे हैं, it means 7, either it is shaded or it is colored, है ना, यहाँ पे हमने इसको shaded ही कर दिया, because we don't have color right now, है ना, total कितने हो गए, 7 colored हो गए, it means 7 out of 8 equal parts are shaded, है ना, total 7 out of 8 parts are equal
8 means 7 by 8 or 7 शेडेड है ना, मीन्स 7 by 8 और 7 8 आर शेडेड। ठीक है, अगर मैं अनशेडेड बात करूं, व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट, तो टोटल कितने पार्ट है, 8, दैट विल बी योर डिनोमिनेटर, एंड हाउ मच इज अनशेडेड, 1 है ना। इसको आप पढ़ेंगे क्या, यू विल रीड इट, 1 ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं कि हम कैसे एकदम वर्ड्स को फ्रैक्शन में लिखेंगे, या हाउ वी विल कन्वर्ट, हाउ वी विल राइट, या हाउ वी विल मेक फ्रैक्शन। ठीक है, सो इसी तरीके से बाकी अदर्स कोई भी आपको टर्म्स दे दिए जाएंगे, एंड यू हैव टू राइट दैट टर्म्स दैट वर्ड्स इन फ्रैक्शन, एंड आई थिंक यू ऑल कैन राइट इट। ठीक है, now let's see some other, suppose that this figure is given in front of you, ठीक है, it is given, and in this two more parts are given and these two are colored, ठीक है, you have to write the fraction of this figure. What is the fraction of this figure? So first, just count the total number of parts in this figure. So 1, 2, 3 and 4. Total number parts कितने हैं इसमें? 4 है। वो हमारा क्या हो जाएगा? Denominator हो जाएगा। ठीक है? जितने total parts होंगे, that will be our denominator. And count number of parts are shaded. So 1 and 2. And that will be our numerator, किसका? Shaded का। Shaded। अगर हम unshaded की बात करें, उसका भी क्या होगा? Same ही होगा। Denominator 4 होगा, unshaded कितना है? 1, 2, तो 1, 2 है ना? So as you all can see here, ठीक है? And 2 को हम किसे denominate करते हैं? न्यूमरेटर बता चुके हैं, डिनोमिनेटर नीचे जो टर्म्स है उसको हम किसे, यानी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, दैट इज अवर डिनोमिनेटर। ठीक है, नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, इसको हम इससे भी डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर को, नंबर ऑफ सिलेक्टेड पार्ट, और डिनोमिनेटर को नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, है ना, यानी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट, टोटल पार्ट कितना है वो हमारे डिनोमिनेटर है, एंड नंबर ऑफ सिलेक्टेड पार्ट में जितने पार्ट की आप शेडेड की बात करें ज़्यादातर उसका फ्रैक्शन है, दैट इज व्हाट, दैट इज अवर डिनोमिनेटर। ठीक है, सो आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस व्हाट आई हैव टोल्ड यू, and on this base you have to complete your work, homework, that is exercise 8.2, ठीक है, so just complete your work, and if you face any kind of problem, you can ask me, ठीक है, till that, take care.